अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट का सीरीज़ जो है वो शुरू की है। उसी का ये एक अहम पार्ट है जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि वर्डप्रेस और ब्लॉगर को जो है आप लोगों ने किस तरह डिफरेंशिएट करना है, और आप लोगों ने वर्डप्रेस चूज़ करना है या ब्लॉगर चूज़ करना है, कौन सा अच्छा है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये सारा कुछ जो है इस वीडियो में कवर किया जाएगा। बेसिकली ये वाली सीरीज़ या ये वाली वीडियो जो है वो लोग देख रहे होंगे कि जिन्होंने आगे अपना ब्लॉग वगैरह बनाना होगा, या जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं ब्लॉग बना के अपना स्किल्स को यूज़ करके अपनी कंटेंट राइटिंग को। हाँ, तो मैंने इसमें ऑलरेडी एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है, और उसी के बेस पे जो है मैं आप लोगों को इसके सारे प्रोस और कॉन्स बताऊंगा कि आप लोग उसको पढ़ के जो है इजीली आप लोग समझ जाएंगे कि आप लोगों ने वर्डप्रेस चूज़ करना है या ब्लॉगर चूज़ करना है, आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट है, किस में आप लोग फ्री में जो है काम कर सकते हैं, किस में आप लोग जो है पेड जो है वो उसमें आप लोगों को कुछ खर्चा करना पड़ेगा, होस्टिंग लेनी पड़ेगी, डोमेन लेनी पड़ेगी, वो लेके आप लोग अगर ईजी फील करते हैं तो ये सारा कुछ आप लोगों को इसमें जो है वो गाइड कर दिया जाएगा। तो मज़ीद के लिए हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर मैं आप लोगों को हर चीज़ जो है वो डिटेल के साथ गाइड कर दूँगा। जी दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों को सामने जो है एक आर्टिकल नज़र आ रहा होगा जो कि ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस रिलेटेड है। यहाँ पर बहुत ही डिटेल से आर्टिकल जो है ये लिखा हुआ है, और ये आप लोग हमारी ही वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, माई सोशल फॉरम की वेबसाइट पर जो कि मेरी वेबसाइट है। और यहाँ पर जो है मैं लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर टोटल सारे एडवांटेजेस क्या हैं इसके, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं आप लोग जो एक बार पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को बल्कि पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो में ही सारा कुछ कवर कर दूँगा कि आप लोग जो है कौन सा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से जो है हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें, अगर आप लोग मेरे आर्टिकल में जाएँ, कुछ चीज़ें भी मैंने इधर हाईलाइट की हुई हैं कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फ्रॉम फॉर योर ब्लॉग, वर्ड प्रेस डॉट ओ आर जी इज़ द बेस्ट रिकमेंडेशन फॉर ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ ब्लॉग। सबसे छोटी बात जो है और मेन इसमें जो चीज़ है वो मैं आप लोग बता चलूँ कि अगर आप लोग ब्लॉग बनाना भी चाहते हैं, उसको जो है वो आप लोग समझते हैं कि आप लोग कंटिन्यू कर सकेंगे या नहीं कंटिन्यू कर सकेंगे, तो मेरा सबसे जो अच्छा मशवरा यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है वर्डप्रेस को चूज़ करें। वर्डप्रेस में भी आप लोग जो है फ्री में यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उस पर भी जो है अपनी होस्टिंग वगैरह लें, डोमेन परचेज़ करें, बेशक ना करें, लेकिन आप लोग अगर काम करना चाहते हैं तो वर्डप्रेस पे काम करें। ब्लॉगर भी अच्छा है, लेकिन वो तब तक ही अच्छा है जब तक आप लोगों ने एक तो फ्री में जो है काम करना है, और दूसरा आप लोगों ने अगर कोई पोस्ट वगैरह या कुछ इस तरह का डाल के छोड़ देना है उसके लिए ठीक है, लेकिन काफ़ी जो है इसके डिसएडवांटेजेस हैं आप लोगों को ब्लॉगर के। लेकिन वर्डप्रेस में अगर करते हैं तो फ्यूचर में भी आप लोग जो है इसमें बहुत कुछ चेंजेस वगैरह जो अगर आप लोगों ने करनी हो तो इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग शुरू कर लेते हैं, यहाँ पर टेबल जो है वो बनाया हुआ है आप लोगों के सामने जो कि नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर वन बाय वन जो है हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसी में बहुत कुछ पता लग जाएगा आप लोगों को कि हम लोगों ने कौन सा जो है प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। तो जी यहाँ पर जो है सबसे पहले आ जाता है द कॉन्टेंट इज़ होस्टेड ऑन देयर। अच्छा, ब्लॉगर का जो है आप लोगों को होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, और वर्डप्रेस की भी होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो होस्टिंग है वो इनके ब्लॉगर की ख़ास तौर पे इनके सर्वर्स पे जो है वो होस्ट की जाती है। मतलब ये लोग अगर कभी भी चाहें अपनी बग़ैर किसी वार्निंग के आप लोगों का ब्लॉग जो है वो बंद कर सकते। अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर सॉरी wordpress.org सेल्फ होस्टेड के बारे में बात हो रही है। इसमें जो है आप लोगों की होस्टिंग वगैरह उस पर आप लोगों को फुल कंट्रोल होता है, और आप लोग कुछ भी चाहें उसको अपनी होस्टिंग वगैरह को कुछ भी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। वर्डप्रेस वाले जो है उसको किसी भी तरह क्लोज़ नहीं कर सकते। अगर कुछ मसला भी आ जाता है इन फ्यूचर में, अव्वल तो आता नहीं है, लेकिन अगर आ भी जाए तो आप लोगों को पहले वार्निंग या आप लोगों से जो है वो बातचीत की जाती है।
अच्छा, सेकेंडली जो है इसमें ये आ जाता है कि यू आर एल ऑफ़ योर ब्लॉग पोस्ट हैज़ लिमिटेड। अच्छा, इसमें अगर आप ब्लॉगर में बनाएंगे, ब्लॉग स्पॉट में बनाएंगे, ब्लॉगर और ब्लॉग स्पॉट जो है वो एक ही चीज़ है। लोग इस पे भी जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यार कि ये ब्लॉगर क्या आ गया, ब्लॉग स्पॉट क्या आ गया। भाईजान, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें अब ये है कि अगर आप लोग परचेज़ नहीं करते इनका डोमेन वगैरह, तो उसमें आप लोगों को मसला ये आता है कि मिसाल के तौर पे आपने एक पोस्ट की है, आज की है, अगर वो एक जनरल पोस्ट है जिसको आप लोग एक साल बाद जो पोस्ट करना चाहें तब भी पोस्ट कर सकते हैं, लोग तब भी देखना पसंद करेंगे। लेकिन उसके यूआरएल में डेट वगैरह, टाइम, डेट ख़ास तौर पे डेट आ रही होती है, उससे पता लग जाता है कि ये आर्टिकल या ये पोस्ट जो है ये पुरानी है, न्यू पोस्ट नहीं है। तो इससे भी जो है ज़ाहिर है ये कोई ज़्यादा बेनिफिट वाली बात नहीं है। तो इसलिए जो आप लोगों को डोमेन जो है वो परचेज़ करनी पड़ेगी। इसके बरतरफ जो है वो वर्डप्रेस में आप लोगों को जो है कस्टम डोमेन जो है वो राइट अवे मिल जाता है, और आप लोग परचेज़ करते हैं अगर होस्टिंग, तो आप लोगों को फ्री में जो है आप लोगों को डोमेन वगैरह मिल जाता है। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को बता चलूं कि इसमें जो है ब्लॉगर यहाँ पर फ्री को हम डिस्कस कर रहे हैं, और वर्डप्रेस को जो है हम लोग पेड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को होस्टिंग और डोमेन वगैरह जो है वो परचेज़ किया हुआ है, वो उसमें जो है आप लोगों को डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि इसमें आप लोग होस्टिंग और डोमेन जो है कितने में परचेज़ कर सकते हैं। अगर तो आप लोग पाकिस्तान से हैं तो मैक्सिमम आप लोगों को स्टार्टिंग में 3 से 4 हज़ार की होस्टिंग जो है, बल्कि इससे भी कम, 3 से 4 हज़ार तो मैं डिलेक्स होस्टिंग ही बता रहा हूँ, जिसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स जो हैं वो बना सकते हैं, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस मिल जाती है। अगर आपने फ़िलहाल एक ही बनाना है, अपना ब्लॉग वगैरह बनाना चाहते हैं, लिमिटेड आप लोगों के पास है सारा कुछ, तो आप लोगों को मेरा ख्याल कोई 1.5 से 2 हज़ार में ईज़िली आप लोग डोमेन होस्टिंग विद डोमेन जो है आप लोग वर्डप्रेस में ईज़िली उसको ले सकते हैं। और ले किस तरह सकते हैं, आप लोग नेमचीप के ज़रिए ले सकते हैं, और जिन लोगों को मसला पेश आ रहा हो वो मेरे से व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उधर से मैं आप लोगों को काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में जो है आप लोगों को परचेज़ करवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कूपन्स वगैरह मौजूद होते हैं, डिस्काउंटेड कूपन्स, तो उधर से भी जो मैं अपने रीडर्स को जो है फुल्ली बेनिफिट देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट आगे चलेंगे तो ईजी टू लर्न एंड यूज़ इफ़ यू आर सेटिंग अप अ सिंपल ब्लॉग। अगर आप जो है नॉर्मली कोई ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं ब्लॉगर में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत इजी है। और यहाँ पर अगर हम लोग वर्डप्रेस पे देखेंगे तो वर्डप्रेस एक आ जाता है प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म आ जाता है। इसमें आजकल जो है काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो हैं वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट्स बना रही हैं, और इसमें जो है थोड़ा सा बंदे को नॉलेज भी होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है वर्डप्रेस में आप लोग हर चीज़ जो है वो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है देर इज़ नेक्स्ट चलते हैं, देर इज़ नॉट अ वैरायटी ऑफ ट्यूटोरियल्स टू हेल्प यू इम्प्रूव एंड ग्रो योर ब्लॉग ब्लॉग। अच्छा, इसमें आप लोगों के पास बहुत सारे आप लोगों के पास वैरायटीज़ नहीं होती कि आप लोग अपने ब्लॉग को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अगर आप लोगों ने एक थीम कोई ले लिया है और आप लोगों ने उसको चेंज करना है, उसको एडिट करना है, तो वो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, जबकि वर्डप्रेस में आप लोगों को बहुत ही वराइटीज़ जो है वो मिल जाती हैं। और आप लोग अगर जो है अपना कुछ भी चेंज करना चाहें, कस्टमाइज़ करना चाहें, तो बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, इट इज़ वेरी लिमिटेड कस्टमाइजेशन, जो मैंने अभी ऊपर बात कर ही दी है, एंड बिकॉज इट हैज़ अ फ्यू टेम्पलेट्स अवेलेबल मेकिंग चेंजेस इंक्लूड टू नो हाउ टू एचटीएमएल। अच्छा, हाँ, तो ये एक असल बात है, यहाँ पर अगर आप लोग जो है ब्लॉगर में कुछ भी चेंजेस करना चाहेंगे, कस्टमाइजेशन चाहेंगे, उसके लिए आप लोगों को HTML एंड CSS का पता होना ज़रूरी है, मतलब कोडिंग लैंग्वेज का पता होना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो है इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि वर्डप्रेस में जो है आप लोगों के पास थीम होता है, फुली पैकेज होता है थीम का, अब वो आप लोगों को फ्री में मिल जाता है, प्रीमियम भी मिल जाता है। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ प्रीमियम जो है थीम्स भी आप लोगों को जो है फ्री में दूंगा, फ्री में आप लोगों को प्रीमियम थीम्स वर्डप्रेस के, फिर उसके बाद वर्डप्रेस के प्लगइन्स वगैरह जो फ्री में प्रीमियम वाले होते हैं, वो इंशाल्लाह उसका भी जो है गिव अवे किया करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
अच्छा, इसमें जो है ब्लॉगर में आप लोगों को बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जबकि वर्डप्रेस में आप लोगों को बहुत सारी सपोर्ट वगैरह मिल जाती है। इसमें सपोर्ट फोरम वगैरह होते हैं। इस तरह आप लोगों को ब्लॉगर में जो है आप लोगों काफ़ी जो है वो इतने आप लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो है, आप लोग अगर सिंपल ब्लॉग भी बना रहे हैं तो उसके लिए ये है कि ब्लॉगर में जो है हमें SEO का कोई रोल नज़र नहीं आता। SEO काफ़ी लोगों को पता होगा जो भी देख रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिससे आप लोगों की पोस्ट की रैंकिंग की वैल्यू होती है। जैसा कि आप लोग अगर मेरे पे यहाँ पर देख रहे हैं और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये SEO का जो है वो यहाँ पर सिग्नल शो कर रहा है, ग्रीन है, मतलब कि एक्सीलेंट SEO हुई भी है इसकी। क्योंकि ये मैंने वर्डप्रेस में अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। अगर आप लोग ब्लॉगर में बनाएंगे तो आप लोगों के पास कोई प्लगइन वगैरह या कुछ भी इस तरह का नहीं मिलेगा कि आप लोग अपनी SEO जो है बेटर कर सकें। जबकि अगर आप लोग वर्डप्रेस पे बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत सारे आप लोगों को प्लगइन्स मिल जाएंगे और बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आप लोग अपनी ब्लॉग की या पोस्ट की SEO जो है बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें आप लोग प्राइवेसी जो नहीं रख सकते, परमा लिंक स्ट्रक्चर जो है, जिसमें जो है वही मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जिसमें आप लोगों को जो है वो आप लोगों की URL में जो है पोस्ट की डेट वगैरह शो हो जाएगी कि ये फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था। जबकि वर्डप्रेस में जो है इस तरह का कुछ नहीं होता। आप लोगों ने ऑप्शन वगैरह उसमें होते हैं कि आप लोगों ने अपना URL किस तरह से शो करवाना है, वो आप लोग वन क्लिक में जो है आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ब्लॉगर में जो है कमेंट मॉडरेशन जो है उसके लिए बहुत ही कुछ इस तरह का आप लोगों को अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जबकि आप लोगों के पास वर्डप्रेस में बहुत सारे प्लगइन्स आ जाते हैं कि जो ऑटोमेटिकली क्लीन कर देते हैं आप लोगों के स्पैम कमेंट्स। मेरे पास, मेरी ज़्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं है और मेरे पास आप लोग अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हज़ारों कमेंट्स होंगे जो कि सारे स्पैम हैं। वो ऑलरेडी स्पैम हो जाते हैं, पब्लिश नहीं होते जब तक मैं उनको रिव्यू करके पब्लिश नहीं करूँगा। तो एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि आप लोगों के ब्लॉग पे जो है कचरा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो ब्लॉगर ब्लॉग्स कैन नॉट बी सीरियसली टेकन बाय द ब्रांड्स, मतलब जो अपना कोई भी ब्रांड एडवर्टाइज़ करना चाहता है तो वो आप लोगों के ब्लॉगर को जो है वो सीरियस नहीं लेगा। वो कहेगा यार इसने तो ब्लॉगर पे बनाई हुई है। अगर लेकिन आप लोग अगर वर्डप्रेस पे बनाएंगे तो वो वैसे ही थीम ही उसके इस तरह के होते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल जो है वो सारा कुछ नज़र आता है। तो आप लोग जो है उसको इजीली मोनेटाइज़ भी कर सकते हैं। मोनेटाइज़ आप लोगों को सबको पता ही होगा, अगर उसमें गूगल एड्स लगती हैं या अपने बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोट करने के लिए आप लोगों की वेबसाइट में जो है एड्स वगैरह लगाते हैं, और वो लगाते हैं अच्छी वेबसाइट के ऊपर ही हैं जिसमें जो है लुक वगैरह अच्छा रहा हो। ब्लॉगर में जो है काफ़ी हद तक जो है उसको भी को उसको कोई रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, इसमें लास्ट थिंग जो है, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप लोग इसको अपनी डोमेन वगैरह ले भी लेते हैं तब भी मेरे ख्याल से जो है इतना फ़ायदा नहीं रहेगा। अगर क्योंकि अगर आप लोगों ने मेहनत करनी है, थोड़ा सा भी मेहनत करनी है, आप लोगों ने अपना ब्लॉग बनाना है, पोस्ट वगैरह डालनी है, ज़ाहिर है उसमें थोड़ी मेहनत वगैरह लगती है। आप लोगों ने महीने में एक या दो ही पोस्ट क्यों ना डालनी हो, तो मेरा रिकमेंडेशन मेरी यही है कि आप लोग वर्डप्रेस को चूज़ कीजिए। उसमें आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं इसमें आप लोगों को सीरीज़ में आप लोगों को हर चीज़ आगे बताऊंगा वर्डप्रेस रिलेटेड, और वर्डप्रेस आप लोगों ने किस तरह परचेज़ करनी, कहाँ से परचेज़ करनी है। कूपन जो है वो आप लोगों को मैं दे दूंगा, जो लोग जो है मेरी यूट्यूब के सब्सक्राइबर होंगे या मेरी वेबसाइट के रीडर्स होंगे उनके लिए स्पेशली जो है मैं डिस्काउंट जो है आप लोगों को लेके दूंगा। आप लोग अपनी होस्टिंग वगैरह परचेज़ करेंगे, डोमेन परचेज़ करेंगे और बहुत ही इजी मैं तो समझता हूँ, क्योंकि मैं पहले जो है ब्लॉगर पे भी काफ़ी काम कर चुका हूँ। लेकिन वर्डप्रेस जो है इसमें शुरू में जो है थोड़ी सी आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन बाद में जो है आप लोग उस पर जब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 to 15 days लगते हैं, आप लोग इस पर जो है बहुत अच्छी कमांड ले लेते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है वर्डप्रेस आप लोगों को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मज़ीद जो है, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, मज़ीद आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाएगा कस्टम डोमेन नेम जो है,
फिर वेब होस्टिंग आ जाएगी, फिर डिफ़िकल्टी लेवल आ जाएगा, उसके बाद फंक्शन कस्टमाइजेशन है, उसके बाद डिज़ाइन है, ये सारा कुछ जो है बड़ी डिटेल के साथ जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। ये नहीं कि सारा जो है वो फजूल सा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बहुत मेन मेन चीज़ें जो हैं मैंने वो जो ख़ुद एक्सपीरियंस किया है वो जो है मैंने इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये आप लोग जो है डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन मेन चीज़ें वही थी जो मैंने आप लोगों को बता दी जो कि इस टेबल में लिखी हुई हैं। बाकी मज़ीद आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं लास्ट बात यही कहूँगा कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग वर्डप्रेस को चूज़ कीजिए। इसमें जो है बहुत सारी कस्टमाइजेशन, अब मैं यहाँ पर कुछ भी कलर चेंज करना चाहूँ, बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे एड्स वगैरह भी लगी हुई हैं गूगल्स की, कुछ भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर हर चीज़ कर सकता हूँ। वर्डप्रेस है क्योंकि इसलिए, अगर आप ब्लॉगर होता, ब्लॉगर में जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है सारा कुछ करने के लिए। यहाँ पर आप लोगों को किसी कोडिंग की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इजीली जो है सब कुछ जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ होपफुली आप लोगों को वीडियो जो है लाजमी पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट जो है उसके लिए जो है मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्दी नेक्स्ट पार्ट पे वीडियो भी बना सकूँ। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़ाहिर है कि पिछली वीडियोस पे भी जो है लोगों ने इतना अच्छा रिएक्शन नहीं दिया, कि अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो लाइक और वीडियो को कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि हाँ वाकई जो है लोग इंटरेस्टेड हैं और मैं मज़ीद जो है आगे इस पे जो है कंटिन्यू जल्दी जल्दी वीडियोस ला सकूं। आप लोगों की मोटिवेशन चाहिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नए आने वाले यूज़र्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लें, ताकि आप लोगों को हर वीडियो के नोटिफिकेशंस बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।